हेलो, वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। मैं हूं गौरव पाठक और आप आज इस शॉर्ट वीडियो में जानेंगे कि अगर आप MBBS अब्रॉड का सपना लेकर चलते हैं और किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं जहां से आप मेडिकल की स्टडी कर पाएं, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज में जाते हैं वो आमतौर पर सबको पता होती हैं, रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, फिलीपींस, चाइना, इसके अलावा जॉर्जिया, आर्मेनिया जैसे कुछ कंट्रीज भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। अब आपको अगर कंट्री सिलेक्ट करनी है तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बारे में आज समझ लेते हैं। सबसे पहले तो उन कंट्रीज़ को आप ज़रूर हटाना चाहेंगे अपनी लिस्ट से जिन कंट्रीज़ में सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, जहाँ ह्यूमन सेफ्टी बहुत अच्छी नहीं है, तो उन कंट्रीज़ को आप हटाना चाहेंगे। तो इसमें एक तो बेलारूस आता है, जहाँ पर आज के समय में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करें, उनके प्रेसिडेंट्स और जो जनता है उनके बीच में कुछ रेवेल वाली कंडीशंस हैं पिछले एक साल से बनी हुई, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से आप अगर अवॉइड कर सकें तो बेटर है। आर्मेनिया के अंदर भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही 2020 and 2021 के आसपास, तो अजरबैजान के साथ में आर्मेनिया का कुछ वॉर भी चला कुछ दिनों तक, तो ये दो कंट्री हो गई। वैसे कुछ स्टूडेंट्स आर्मेनिया जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर फीस कम है, करिकुलम थोड़ा सा आसान है, तो इस वजह से भी आर्मेनिया की तरफ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते थे। तो इनके बारे में आप विचार करें, अपने हिसाब से देखें कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये आपका फैसला है। फिर बात आती है तीसरी कंट्री चाइना की। तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी, बहुत फैंसी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत बेहतरीन, लेकिन चाइना के जो रिलेशन रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, इंडिया के साथ में, उसको लेकर गार्जियंस के साथ में कुछ ऐसे डाउट्स हैं। कुछ ऐसे गार्जियंस हैं जो कहते हैं हम चाइना ही नहीं भेजेंगे, बाकी हम कहीं भी भेज सकते हैं। उन चीज़ों को भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चाइना की यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। चाइना अभी कम्प्लीटली लॉकडाउन की सिचुएशन में है, किसी भी कंट्रीज से लोग वहाँ चाइना नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो अगर आप एडमिशन अभी ले भी लेते हैं तो चाइना में आपका डिपार्चर आई थिंक ऐसा होगा कि मार्च 2022 के आसपास होने वाला है। तो चाइना को भी आप एक ऐसी कंट्री की लिस्ट में रख सकते हैं जहां सोच विचार कर आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ नो डाउट बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ीस 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आमतौर पर होती है, तो इस तरह से चाइना भी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको आप थोड़ा विचार करके इसमें फैसला करें। आज के समय में रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान और फिलीपींस, ये 4 कंट्री ऐसी हैं जहां पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस जा रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स की। रीजन ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स पहुँच सकते हैं। हाँ, कजाकिस्तान में भी ज़रूर लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स गए थे, लास्ट ईयर जिनका एडमिशन हुआ था, उन सब लोगों को अभी वहाँ पहुँचने का मौका नहीं मिला है, सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो जल्दी ही कजाक की गवर्नमेंट ये ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस हटाने वाली है, जैसे जैसे इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बढ़ रहा है और कोरोना के केस कम हो रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। और वैसे भी काफ़ी बाद में रिस्ट्रिक्शंस आई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे जब तक कि सेकेंड वेव नहीं आई थी कोविड की इंडिया के अंदर, तो उसके बाद से सिचुएशन वर्स हुई है। लेकिन कजाकिस्तान को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये 2021 में अगस्त से जो सेशन स्टार्ट होगा वो पूरा ऑफलाइन स्टार्ट होगा, और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो सितंबर या मिड अक्टूबर में स्टार्ट होगा वो भी ऑफलाइन होगा। कजाकिस्तान 5 ईयर प्रोग्राम में बहुत बेहतर कंट्री है। आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी अगर देखना चाहें तो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वहाँ की। इसके अलावा अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी और अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी पूरा नाम है इसका, ये 3 यूनिवर्सिटी हैं। फीस आमतौर पर इसमें 17 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच में रहती है तीनों यूनिवर्सिटीज की ही। आप अगर इसके साथ में अलग खर्चे मिला लेते हैं, ये 5 ईयर की फ़ीस पता है, इसके साथ में आपकी सेल्फ जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, पॉकेट मनी वगैरह, ट्रैवल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, इनको लगा के आप अंडर 30 लाख रुपीज़ में यहाँ से MBBS कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जाती हैं। लास्ट ईयर तो कजाकिस्तान के अंदर मोर देन 3000 एप्लीकेशंस पहुँची थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि अगर आप पूरी यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वहाँ पर 10-12 यूनिवर्सिटी हैं, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जाती हैं, तो इसमें आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आप देना चाहें तो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं।
फिलीपींस के अंदर लो बजट में यूबी गुल्लास यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी मेडिकल एजुकेशन है, और इसके अलावा इसका यूएसएमएलई का जो पैटर्न होता है और आपको सहायता मिलेगी अगर आप यूएसएमएलई की तैयारी करना चाहते हैं या नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फिलीपींस के बारे में आप हमारे काउंसलर से बात करके डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एनमेट होगा या नहीं होगा, केवल क्वालिफाई करना होगा, कब करना होगा, ये सारी जानकारी आपको काउंसलर से मिल जाएगी। इसके लिए आप जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करें। फिर बात आती है यूक्रेन और रशिया की। ये दो प्राइम डेस्टिनेशंस हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और अभी से नहीं है, ये सालों पहले से हैं। पिछले 30 सालों से बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स इन कंट्रीज में जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यूक्रेन की, तो यूक्रेन के अंदर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है बुकोबिनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कारण क्या है? फीस कम है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, यूएसएमएलई में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट एग्जाम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और एफएमजी में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट्स की। तो बुकोबिनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी आती है लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। फीस इसकी बुकोबिनियन से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी क्या मतलब, ये ऐसा मान लीजिए कि बुकोबिनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 20 लाख रुपये में आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल का खर्च, खाना और आपके पॉकेट खर्च, पर्सनल एक्सपेंस को हटा के बाकी सब खर्चे 6 साल के मिला के आपके 20 लाख में हो जाते हैं। तो लवीव में यही खर्चा आपका 28 लाख में होगा, तो फीस का अंतर है। और सिटी अगर आप देखें तो दोनों ही सिटीज़ काफ़ी अच्छी है, लवीव भी काफ़ी अच्छी है और चेर्नोवत्स्की बहुत अच्छी सिटी है जहाँ पर बुकोबिनियन स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो आप अगर ज़्यादा बजट खर्च करना चाहें तो लवीव में जा सकते हैं, वरना आपको बुकोबिनियन एक ऐसा ऑप्शन है जो कम खर्च, बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उजगोरद नेशनल यूनिवर्सिटी, ये कम खर्च में यूनिवर्सिटी है, यूक्रेन में जाते हैं तो 17-18 लाख रुपए में आपके 6 साल के जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो हो जाते हैं, प्लस आपकी लिविंग कॉस्ट रहेगी, वो तो एक अलग पार्ट है। तो ये चीज़ें आप अगर ऐसे देखेंगे तो ये 3 यूनिवर्सिटी हो गई। फिर खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, टर्नोपिल, इसके अलावा तारस सेवचेंको है, फिर कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी और तमाम यूनिवर्सिटी हैं। दनीप्रोपेत्रोस काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ब्लैक सी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है कम खर्च में, बट अगर आप जल्दी अप्लाई करते हैं तो आपको चांसेस हैं कि बुकोबिनियन या लवीव, इन दोनों में ही कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट मिल सकती है। और अगर आपको इन पे ना मिले तो फिर आप खारकीव को प्रीफर कर सकते हैं, विनिशिया को कर सकते हैं, उजगोरद को कर सकते हैं, दनीप्रो को कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी फिर आपके पास रहती हैं। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो बुकोबिनियन से अच्छा ऑप्शन यूक्रेन के अंदर कोई दूसरा नहीं है। यूक्रेन के बारे में भी आप डिटेल में बात करें तो 1-on-1 आप एक मीटिंग शेड्यूल कर लीजिए किसी काउंसलर के साथ में, उसके लिए आप ऑनलाइन व्हाट्सएप से या कैसे भी आप एक मैसेज छोड़ दीजिए और अपनी प्रिफर्ड टाइमिंग बता दीजिए, तो काउंसलर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब इसके अलावा बात आती है रशिया की, जो काफ़ी बड़ा डेस्टिनेशन है और इंडियन स्टूडेंट्स की डिफ़ॉल्ट चॉइस रशिया मानी जाती है। रशिया, यूक्रेन, इन दोनों में, पहले तो सोवियत यूनियन था तो फिर दोनों एक ही थे, लेकिन अब तो अलग अलग हो गए हैं। तो अब मैं बात करता हूँ रशिया की, यूक्रेन की बात तो हो गई। रशिया के अंदर यूनिवर्सिटी कम खर्च में भी है, बहुत हाई बजट में भी है। तो कम से कम खर्च में अगर कोई बेहतर यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो पेत्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है। 15 लाख इसके एसेंशियल खर्चे, मतलब ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा एक्सटेंशन, 6 साल में 15 लाख का खर्चा आएगा। इसके अलावा आपको खाने का खर्च चुकाना होगा वहाँ पर, जो मैस में अगर आप खाना खाते हैं तो $1,200 साल का देना होगा। तो इस तरह से आप बाकी अपनी पॉकेट मनी, ट्रेवल एक्सपेंस, ये सब जोड़ते हैं तो 25 लाख रुपए में आपकी MBBS वहाँ से कंप्लीट होती है। तो पेत्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी कंप्लीट इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम, रशियन गवर्नमेंट द्वारा ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की जाती है, काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटी है, एक तरह से आप मान सकते हैं कि शोकेस यूनिवर्सिटी टाइप से, क्योंकि studyinrussia.ru पे जाएंगे और आप रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी बाई रशियन गवर्नमेंट इसकी अगर लिस्ट देखते हैं तो पेत्रोजावोस्क उसमें नाम आता है। फिर अगर आप खर्चा थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 20 लाख रुपए के खर्चे के आसपास यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो तीन यूनिवर्सिटी एक्चुअली आपको बहुत अच्छी मिलती है। एक यूनिवर्सिटी है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, दूसरी है सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पीडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी है बेलगोरद नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी बेहतर है, वो है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये रशिया के अंदर आपके एसेंशियल खर्चे 20 लाख रुपए
इससे भी थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, और बाकी आपके 6 साल रहेंगे तो खाना पीना ट्रेवल एक्सपेंस पॉकेट मनी इन सबको भी जोड़ के आप 10 लाख रुपए ऊपर लेके चलें तो आपका 30 लाख में बजट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये हो गई रशिया की 20 लाख के अंदर वाली यूनिवर्सिटी। अब अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, 25 लाख रुपए के बजट के आसपास आते हैं या और इससे ऊपर देखते हैं, तो फिर आपको 25 लाख के बजट में आपको अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी समझ में आती हैं। और इसके बाद अगर आप जैसे 30 लाख से ऊपर देखते हैं तो वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज हैं रशिया की टॉप। अब इनमें से आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए प्रीफर करें कि रशिया यूक्रेन कजाकिस्तान या फिर फिलीपींस में जाएं। फिलीपींस में जाने के लिए एनमेट के बारे में पहले पूरी जानकारी ले लें, इसमें एक डिटेल टॉपिक है, मैं किसी दिन वीडियो भी बना दूंगा इस पर, लेकिन अभी आप काउंसलर से बात करके जानकारी ये लीजिए कि आप एनमेट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आपको एनमेट में केवल अपीयर होना है या एनमेट में आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, या वो आगे मैटर भी करेगा। तो फिलीपींस अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम वहाँ एनमेट जो एग्जाम होता है उससे कोई टेंशन नहीं है, तैयारी अच्छी है आपकी, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। 6 साल का टोटल ड्यूरेशन होगा वहाँ पर, जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होगी और वो इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड होती है। नेक्स्ट एग्जाम के बाद में जो नियम चेंज होंगे तब की हम बात तब करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से वैलिड है। फिर अब हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन में एक क्रॉक एग्जाम होता है 3rd ईयर में और एक होता है 6th ईयर में, उसको पास करना जरूरी है। तो सिंसियर स्टूडेंट्स जो सिंसियरिटी काफ़ी अच्छी दिखाते हैं, वाकई पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बुकोबिनियन और लबीव जैसी बहुत सी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूक्रेन में, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकती है। इस तरह से आप यूक्रेन में जाते हैं तो क्रॉक एग्जाम वगैरह इन सब का ध्यान में रखें। रशिया लो बजट में बहुत अच्छा है डेस्टिनेशन है। लो बजट का मतलब है कि अगर आप पेत्रोजावोस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वर्ल्ड क्लास हाई फाई यूनिवर्सिटी, खर्चा केवल 15 लाख, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। और फिर आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बहुत सारी दिखती हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा खर्च में आती हैं। पेत्रोजावोस तो सबसे लोएस्ट बजट की यूनिवर्सिटी हो गई, लेकिन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है या फिर बेलगोरद नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। 20 लाख रुपये खर्च रहेगा और बहुत ही हाई फाई यूनिवर्सिटी है, ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है। कजाकिस्तान ईयर अगर आपको सेव करना है, 6 साल की जगह 5 साल में कंप्लीट करना चाहते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, तो कजाकिस्तान में आपको 2-3 ऑप्शन हैं, जिसमें कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डिफ़ॉल्ट चॉइस 1 पे, 2 पे आप देख सकते हैं अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी और 3 पे अल-फ़ाराबी यूनिवर्सिटी। तो कजाकिस्तान अगर आपको ईयर सेव करना है, तो ये तो वो वाली कंट्रीज हो गई जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, बट जो ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा नहीं जाते बट यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, जैसे मलेशिया। मलेशिया के अंदर अगर आपका बजट 45 लाख रुपए से लेके 1.25 करोड़ रुपए के बीच में है, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज वहाँ पर मलेशिया में मिल जाएंगी। इस बजट रेंज में अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से बात कर लें, या फिर आप सीधे एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपकी एप्लीकेशन पहुँच जाएगी। पोलैंड के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा लिथुआनिया, लाटविया, आप अगर इटली जाना चाहते हैं, फ्रांस जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें, तो बहुत सारी आपको कंट्रीज़ और उनकी यूनिवर्सिटी आपको हमारे एप्लीकेशन पर वेबसाइट पर मिलेगी, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं। एक एंटायर डिफरेंट प्रोसेस होता है, खर्चा कम से कम 70 लाख रुपये होगा, और ये अच्छी यूनिवर्सिटी ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी, ज़्यादा खर्च वाली यूनिवर्सिटी, तो ये खर्चा बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी यूरोपियन यूनियन वगैरह। अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए होती हैं जहाँ पर क्लाइमेट भी इंडिया जैसा रहे, खाना भी इंडिया जैसा रहे, कल्चर भी इंडिया जैसा रहे। बहुत से पेरेंट्स की ये प्रिफ्रेंस होती है, पेरेंट्स की भी होती है और स्टूडेंट्स की भी होती है। तो मॉरिशस एक ऐसा डेस्टिनेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस जो वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो समराइज करते हैं इसको, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रीफर कीजिए रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान या फिलीपींस, और उसमें भी कैसे प्रीफर कीजिए, अगर आप 5 ईयर प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो कजाकिस्तान, 6 ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो यूक्रेन,
कम खर्च में अच्छी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं रशिया, और एनमेट की प्रॉब्लम नहीं है, आगे यूएस में जाने का प्लान है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपको चाहिए कि वहाँ के लोग बोलते हों, तो फिलीपींस। तो ये हो गई। और इसके अलावा अगर इंडिया जैसा सब कुछ देख रहे हैं तो फिर आपके लिए मॉरिशस, यहाँ पर अप्लाई कीजिए। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बता दी है, आप अगर चाहें कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, इसमें आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।